हाय दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेबल फैन का शाफ्ट और बुश कैसे चेंज किया जाता है। मेरे पास है एलजी का टेबल फैन, इसका शाफ्ट और बुश कट गया है। इसको सबसे पहले खोल लेंगे, खोलने के बाद इसका चेक कर लेंगे कि शाफ्ट और बुश कट गया है कि नहीं। इसका शाफ्ट और बुश कट गया है और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर निशान लगा है कटने का, और उसी प्रकार इसके पीछे वाले हिस्से में भी कट गया है। तो इसको चेंज करने से पहले स्केल से इसको इसके पीछे के शाफ्ट को नाप लेंगे, क्योंकि हमें चेंज करने से पहले इसको नाप इसलिए लेंगे कि पीछे का हिस्सा हमें उतना ही रखना है जितना है पहले से। तो उसको नापने के बाद पाइप की सहायता से राड यानी शाफ्ट को बाहर निकाल लेंगे और नए वाले शाफ्ट को उसी प्रकार लगाकर पहले एक बार ठोक देंगे, उसके बाद पाइप की सहायता से इसको वापिस उसी स्थान पर फिट कर देंगे। अब उसको स्केल से चेक कर लेंगे कि शाफ्ट जो है पहले जितना पीछे निकला था उतना निकला है कि नहीं। अगर नहीं निकला है तो उसको फिर से सही करके उसको चेक कर लेंगे। अब ये हमारा देखिए शाफ्ट सही है, इसमें डायल भी नहीं है, ये टेढ़ा भी नहीं हुआ है। तो अब बुश की बारी है, बुश कैसे सेट करेंगे कवर में। तो कवर में सेट करने के लिए बहुत आसान है, इसके दो पेच लगे हैं जो कि चाप को दबाए रहते हैं। तो चाप खोल लेंगे, दो पेच खोलकर इसके दो पेंच खोलकर चाप को बाहर निकाल कर उसके बाद बुश को बाहर निकाल लेंगे और उसकी जगह पर नए वाले बुश को सेट करके उसके ऊपर से मोबिल या कोई बुश ऑयल हो वो डाल देंगे। हम इसमें मोबिल का प्रयोग करते हैं। तो मोबिल डालने के बाद उसके बाद बुश चाप को उसी प्रकार फिर वापस सेट कर के पेच को कस देंगे। देखो यार, वीडियो को इतना मेहनत से सिर्फ आपके लिए बनाते हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर जो नए हों वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ज़रूरी से। इसी प्रकार दूसरे वाले कवर का भी बुश चेंज कर देंगे। इसका बुश लगकर तैयार हो गया है, अब इसके मोटर को फिट करेंगे। ये आपका शाफ्ट और बुश लगकर मोटर तैयार है, अब इसको सीरीज की सहायता से चेक करेंगे। और ये सीरीज में चल रहा है, यानी कि आपका मोटर एक नंबर का फिट हो गया है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।